असलम स्टूडेंट कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आपको जो आपके नाइन्थ क्लास के इम्पोर्टेंट एम सी क्यूजैम के बारे में बताऊंगी कि आपके नाइन्थ क्लास के बोर्ड के पेपर्स के अकॉर्डिंग कौन से इम्पोर्टेंट एम सी क्यूजैम वो आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएंगे और इनको लाजमी लाजमी याद कीजिएगा सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन चूज़ द करेक्ट वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग आपके जो फर्स्ट पार्ट मतलब एम सी क्यू उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाए जाते हैं पार्ट ए बी एंड सी तो यहाँ पे आप पार्ट्स गिवन है फर्स्ट जो पार्ट है ये आपके स्पेलिंग्स का है स्पेलिंग्स को भी याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है मतलब बेस्ट वे ये है कि अगर आप वर्ड्स मीनिंग याद कर रहे हैं या जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो उनके साथ साथ स्पेलिंग्स अच्छे से देखते जाए करें उसके अलावा इनको सिलेबिक फॉर्म में मीन्स के तोड़ तोड़ के याद करें जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आ गया सिविलाइजेशन सेवंथ वाला तो सिविल सी वी लाइजेशन तो हमारे पास जो करेक्ट वाला है वो ये है मतलब इसी तरह तौर तो के अगर आप इनके स्पेलिंग्स याद किया करें वर्ड्स के तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिवाइन डी और इसी तरह यहाँ आपके कुछ एम सी क्यूज पढ़ूँगी कुछ एम सी क्यूज ये आप साथ साथ स्क्रीन पर देखते जाएगा और इनको रिव्यू करते जाएगा ताकि आपके मतलब साथ साथ तैयारी भी एक तरह से होती जाए इसी तरह नेक्सेस थियोलॉजी तो इसी तरह आप जो वर्ड्स को अगर जब तोड़ के पढ़ते हैं ना थियोलॉजी वैसे तो पढ़ा जाता है लेकिन इस तरह जो स्पेलिंग्स हैं वो अच्छे से याद नहीं होते कुछ स्टूडेंट्स को तो अगर आप इनको तोड़ तोड़ के पढ़ें सिलेबिक फॉर्म में तो ये आपको ईजी हो जाएगा स्पेलिंग याद करना और ये हमारे पास सारे एम सी क्यूज आपको दिखाए जा रहे हैं जैसे ये हमारे पास आ गया थर्टी थ्री वाला नेटिव एन ए टी आई वी नेटिव उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया थर्टी सेवन सुप्रीम एस यू पी आर ई एम ई सुप्रीम नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया फोटी फोर में जिसमें मीडिया आ गया मीडिया नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंफॉर्मेशन इन तो इसी तरह इनको तोड़ के अगर पढ़ेंगे तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप स्पेलिंग्स जो हैं वो अच्छे से याद कर सकेंगे और इसमें टाइम भी आपका कम लगेगा नेक्स्ट हमारे पास आ गया इंटरटेनमेंट इसी तरह ई एन टी ई आर टी ए आई एन एम ई एन टी इंटरटेनमेंट मैगजीन एम ए जी ए जेड आई एनी मैगजीन नेक्स्ट हमारे पास सिक्सटी फाइव में आ गया माइग्रेशन इसी तरह 69 में हमारे पास आ गया 69 डिटेक्ट डी ई टी ई सी टी डिटेक्ट इसी तरह 72 में हमारे पास आ गया डिवोशन डी ई वी ओ टी आई ओ एन डिवोशन नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी तरह सेवेंटी सेवनटी सिक्स वाला जिसमें फ्यूरियसली एफ यू आर आई ओ यू एस एल वाई फ्यूरियसली नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह ये आपके सारे स्पेलिंग्स के जो एम सी क्यूज हैं ये आपके गिवन है जिस तरह इसमें जो ऐसे आ गया सोसाइटी एस ओ सी आई ई टी वाई सोसाइटी उसके अलावा ए एम बी आई टी आई ओ एन एम्बिशन ट्रेडिशन टी आर ए डी आई टी आई ओ एन ट्रेडिशन उसके अलावा जो हमारे पास वन ट्वेंटी वाला है इसमें एंट्रेंस ई एन टी आर एन सी ई एंट्रेंस और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे स्पेलिंग गिवन है जिसे हमारे पास यहाँ पे आ गया अपॉइंटेड ए डब्ल पी ओ आई एन टी ई डी अपॉइंटेड और नेक्स्ट हमारे पास आ गया वन फोर्टी वन वाला कंजर्वेशन सी O एन एस सी आर वी ए टी आई यू एन कंजर्वेशन इसी तरह वन फिफ्टी हमारे पास आ गया डिवॉस -E टेटिंग डी ई वी एस टी ए टी आई एन जी डिवोस्टेटिंग इसी तरह हमारे पास आ गया सीनियर और वन सिक्सटी थ्री में हमारे पास आ गया एक्सपेरिमेंट ई एक्स पी ई आर आई एम ई एन टी एक्सपेरिमेंट सो स्टूडेंट्स ये आपके तमाम एम सी क्यूज यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई जा रहे हैं जो कि आपका फर्स्ट पोर्शन है जिसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग लिखने हैं वो वाला पोर्शन है तो इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिनेम और एंटोनिम सिनेम और एंटोनिम आपके मतलब ये जो मल्टीपल चॉइस गिवन है इसमें अगर आप ये सिनेम और एंटोनियम याद कर लें तो ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा जिसमें आपका जो फाइव वाला है आई शेल नोट अबंडन दूथ फेथ अबंडन मीन्स के धोखा देना या छोड़ देना तो हमारे पास यहाँ पे सी वाला आ गया आपका ऑप्शन गिव अप नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह कुछ आपके एम सिक्यूर्स पढ़ती जाऊंगी कुछ आप ये मतलब तो स्क्रीन पर देखते जाएगा बाकी एम सी द वर्ड रेडिकेट मीन रेडिकेट मीन्स डिस्ट्रॉय खत्म कर देना तबाह कर देना नेक्स्ट हमारे पास आ गया अशफाक अहमद वाज अ फेमस राइटर अब फेमस जो है इसका मीनिंग आ जाता है हमारे पास वेल नोन मशहूर इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया अबू जहल वोकिंग द डोर वायरल अबू जहल जो है वो फोर्सफुली जो है दरवाजा खटखटा रहा था नेक्स्ट हमारे पास एम आ गया द वर्ड स्पिरिट मीन स्पिरिट मीन एंथ्यूज नेक्स्ट हमारे पास है इंपैक्ट मीन इफेक्ट इसी तरह हमारे पास जो आगे एम गिवन है जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं इनमें से कुछ पढ़ूंगी और इसका लिंक भी आपको बाय में किया दिया जाएगा द वर्ड रिफ्यूज मीन रिफ्यूज मीन प्लेस ऑफ सेफ्टी और इसके अलावा हमारे पास आ गया द वर्ड पेंसिव मीन पेंसिव मीन थॉटफुल उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है इसमें माई लीटर हॉर्स थिंक इट क्वेर तो माई लिटर हॉर्स इसका जो आपका एम सी क्यूज करेक्ट वाला है थिंक इट क्वेर हमारे पास जो इसमें क्वेर है ये आपका स्ट्रेंच में आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास जो एम सी क्यूज है कायद वाज अ मैन स्ट्रॉन्ग बिलीव कायद वाज मैन ऑफ फर्म बिलीव मतलब उनका पुख्ता इरादे वाले थे वी आर अ नेशन ही अफर्म उन्होंने कहा ही सेड एम्पी डेट वी आर अ नेशन सेल्फ स्ट्रीम मीन ऑनर सेल्फ स्ट्रीम बेसिकली मीन ऑनर नेक्स्ट हमारे पास जो 87 वाला आपका एम सी क्यूज है अ हैवी आईज चेन हैंग इन द अपर पार्ट ऑफ द कोट द एंटीनम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज है जो एंटेनम है वो हमारे पास आ गया लाइट इसके अलावा हमारे पास इट वॉज कम्प्लीटेड बाई हिस्सर और इट वॉज कमिंग आफ्टर बाई हिस्सर इसी तरह हम आगे देखिए तो हमारे पास यहाँ पे आ गया द लिटल बर्ड आर पीपिंग गेट और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया एक्सप्रेस योर फीलिंग एट अ प्रॉपर टाइम एक्सप्रेस में का हमारे पास जो मीनिंग आ गया वो आ गया आर्टिकुलेट हर्ट मीन्स हर्ट मीन इंजर शी एड एडमीन विद अटर सरप्राइज विद कम्प्लीट सरप्राइज़ हमारे पास जो इसमें एम सी क्यूज आपको गिवन है इनमें से कुछ आपके रीड कर रही हूँ और आप साथ साथ देखते जाइएगा ये मैं बार बार कह रही हूँ रिहेबलेशन ऑफ ड्रग विक्टम इज पॉसिबल रिकवरी ऑफ द ड्रग विक्टम इज पॉसिबल उसके अलावा हमारे पास जो आगे एम सी क्यूज है आपके उसमें वन थर्टी वाला वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट ड्रग एडिक्शन वी आर ट्राइंग टू वाइप आउट ड्रग एडिक्शन और हमारे पास इसके अलावा आगे नो नॉइज वहीकल गिविंग और हमारे पास डिस्ट्रैक्ट मीन डिस्ट्रैक्ट मीन डिस्टर्ब डिस्टर्बेंस ही हैज़ पर फाउंड ऑफ नॉलेज ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री ही हैज़ डीप डीप ऑफ नॉलेज डेप्थ ऑफ नॉलेज उसके अलावा डी बी मीन शो और हमारे पास द वर्ड ही वुड ट्राई टू वॉक ऑन देअर डोमिनेट फैकल्टी इन एक्टिव हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ गए मैनीफोल्ड मीन मैनीफोल्ड मीन वेरियस इन एन अनवाइज मैनर्स मीन्स फ्रेज और उसके अलावा हमारे पास आ गया लास्ट वाला द फर्स्ट डे आई डिवोटेड टू माई फ्रेंड एनीमेट और इन एनीमेट नॉट अलाइव इन द वे ऑफ पीपल सो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास जिसमें आपके सिनेम और एंटोनिम आ गए नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है हमारे पास ग्रामर के अकॉर्डिंग और ग्रामर के अकॉर्डिंग या आपको कुछ एम गिवन है इन एम को लाजमी याद कर लीजिएगा क्योंकि आपका पेपर इनशाला इनशाला इन्हीं में से आएगा सो यहाँ पर आ गया शे इज अ लेजी गर्ल द अंडरलाइन वर्ड लेजी मीन एग्जेक्टिव नेक्स्ट हमारे पास है द मदर बिकम डैश इफ आई गेट होम लेट द मदर बिकम एंशियस इफ आई गेट होम लेट डिनर वाज गुड द अंडरलाइन वर्ड गुड मीन एग्जेक्टिव और उसके अलावा हमारे पास आ गया नो प्लीज द अंडरलाइन वर्ड नो एंड प्लीज इज़्सो एक्जेक्टिव इशफाक अहमद वाज अ फेमस पोइट और अंडरलाइन वर्ड जो हमारे पास फेमस है इज़ ऑल्सो एग्जेक्टिव द लाफिंग लेडी इज़ लिविंग द अंडरलाइन वर्ड इज एंड एगजेक्टिव और उसके अलावा द पीरियड ऑफ द वेटिंग हैज़ कम टू अ क्लोज इट इज़ अ नॉन फ्रेज नेक्स्ट हमारे पास है एम सी क्यूज जिसमें एट द पॉइंट एंड टाइम अल रेस्ट अ प्रोफिट एट द पॉइंट इन हमारे पास जो इन आ गया इन आउट उसके अलावा अंडर ये हमारे पास इस तरह के क्या वर्ड्स कहलाते हैं प्रपोजिशन ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज द अंडरलाइन वर्ड प्रेसिंग इज एन एग्जेक्टिव द नेक्स्ट वन इज टेक द मेडिसिन रेगुलरली इज एन इम्पेरेटिव शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट इट इज ऑल्सो एन नेगेटिव सेंटेंस बिकॉज डिड नॉट यूज हुआ इसमें द स्परिट ऑफ पेट्रोज मेक असटे अलर्ट एंड द अंडरलाइन वर्ड इज अ पॉजिटिव वर्ड द नेक्स्ट वन इज इफ आई गो आउट आई शैल टर्न ऑफ द टी वी द अंडरलाइन वर्ड एंड टेंस इज कंडीशनल टाइप वन कंडीशनल टाइप वन हमारे पास आ गई इसकी वाली नेक्स्ट हमारे पास जो एम सी क्यूज है इसमें है दिस इज माई बुक माई जो इसमें है वो है पॉजिटिव पर नाउन उसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज आ गया उसमें है वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश बुक वी आर स्टडिंग एन इंग्लिश बुक नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसी तरह द बॉय लाफ लावली लावली हमारे पास इंजेंटिव वर्ब है नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह वर्ब आ गया टीम इज एन टीन इज एन कोलेक्टिव नाउन और इसी तरह न, जो अगला हमारे पास एम सी क्यूज है ही डिड नॉट वर्क केयरफुली अंडरलाइन वर्ड केयरफुली इज एन एडवर्ब और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो आ गया शी वॉज साइनिंग एट अ कंसर्ट इज एन एडर्बॉफ प्लेस नेक्स्ट हमारे पास जो एम सी क्यूज यहाँ पर इसी तरह आगे शिवा साइनिंग ब्यूटीफुलट अ कंसर्ड एडवर्ब आ प्लेस इसी तरह नेक्स्ट हम अगला देखें तो एज अंग ट्रेडर ही अर्न गुड रेपूटेशन इट इज द अंडरलाइन वर्ड ट्रेडर इज अगजेक्टिव फ्रेज और इसी तरह आगे हम अगर देखें अपने एम सी क्यूज तो इसमें आपके जो ही इज अ बॉय हु माई पेन अब इसमें जो हु है वो हमारे पास रिलेटिव आ जाता है रिलेटिव पर नाउन नेक्स्ट वन इज विच इज जो है हमारे पास एक तरह से रिलेटिव है जैसे हूँ विच और मतलब जो आपके क्वेश्चनिंग वर्ड होते हैं वो वाले हमारे पास रिलेटिव में आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास आगे दीज सेंट स्ट्रिक्टिव सुपरवाइज द विक्टम हमारे पास जो इसमें अंडरलाइन वर्ड है स्ट्रिक्टली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर्स नेक्स्ट वन एम सर इज इफ आई वर यू आई शुड नो डू दैट द सेंटेंस इज अ कंडीशनल टाइप टू ये कंडीशन टाइप टू में लाय करता है उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ गया ही led a dash divided of plain the underlined word divided of blame is an adjective नेक्स्ट वन इज द सिटी बिकम माय डेस्टिनेशन द सेंटेंस सिटी हमारे पास आ गया ये सेंटेंस जो है ये सिंपल सेंटेंस है नेक्स्ट हमारे पास जो एम सी क्यूज गिवन है ये आपके वर्ब के अकॉर्डिंग गिवन है कि वर्ब के अकॉर्डिंग आपके जो मतलब किस तरह के एम सी क्यूज आ सकते हैं और ये आपके मैं फिर से आपको कह रही हूँ कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज हैं चाहे वर्ब के अकॉर्डिंग हो या आपके स्पेलिंग के अकॉर्डिंग इनको अगर आप याद कर लेंगे तो इन शाला इन शाला जो आपका पेपर है एमसीक्यूज वाला पार्ट पोर्शन वो इसी में आपका क्लियर हो जाएगा इसी तरह यहाँ पे आ गया हमारे पास चैरिटी एट होम बिगिनिंग इसी तरह हमारे पास जो आगे एम सी क्यूज आ गया ही टेल्स दैट टेल डैश अन ट्रू साउंडस इसी तरह हमारे पास जो आगे एम सी क्यूज आगे वे सारे वर्ब के अकॉर्डिंग है कि वर्क के अकॉर्डिंग हम इसमें कौन सा वर्ग किस तरह से लगाएंगे द बॉयज़ आर डैश देयर होम वर्क द बॉयज़ आर डूइंग देयर होमवर्क और ये मोस्टली अगर आपके सेंटेंस मतलब टेंसेज आपके आते हैं आपको टेंसेज क्लियर हैं तो आपके लिए ये एम सी क्यू सोल्व करना ईजी हो जाएगा आई यो रेडी डैश थ्री कप्स ऑफ कॉफी आई रेडी है थ्री कप्स ऑफ कॉपी इसी तरह हमारे पास आ गया शी डैश मॉर्निंग शी हैजिन प्लेइंग और नेक्स्ट एम सिक्यूज इज आई डैश वॉचिंग टीवी सेवन पी एम आई हैव बिन वॉचिंग टी वी सिंस सेवन पी एम एंड द नेक्स्ट एम सी क्यूज इज आई एम टायर बिकॉज आई हैव बिन रनिंग नेक्स्ट वन इज रेब स्टार्टी टू डैश प्रेशर रैप स्टी टू माउंट प्रेशर एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह एम सिक्यूज आगे

next one is she dash in the office for seven years she has been working in the office for seven years and next one the, they dash their work by tomorrow they will complete their work by tomorrow so students here mcq MCQs given according important and next paas aagaya, tarha, translation the following paragraph तो स्टूडेंट्स आज ही मैंने आपको जो आपके एमसी क्यूज़ बताए मतलब नाइन क्लास के बोर्ड के पेपर्स के अकॉर्डिंग जो आप इंपॉर्टेंट एम सी के उनके बारे में बताया ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एम हैं इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा बेस्ट ऑफ लक फॉर यू पेपर उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफिज़